बहावलपुर के पुलिस वाले को पेटी भाइयों से इंसाफ नहीं मिला तो गुर्बत से तंग आकर उसने फलों की रेड़ी लगा ली। कांस्टेबल दीन मोहम्मद ने चंद महीने पहले तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज किया था, जो इसे महंगा पड़ गया और अपनों ने ही इसे तशद्दुद का निशाना बना दिया। मामला रफा दफा हुआ, लेकिन इसके बावजूद दीन मोहम्मद पर किस्मत की देवी मेहरबान नहीं हुई और इसके लिए दफ्तर के दरवाजे बंद कर दिए गए, जिस पर इसने एहतजाजन कमिश्नर ऑफिस के सामने रेड़ी लगा ली। ना तो मुझे ड्यूटी पे जाने देते हैं, हालांकि जज साहब के ऑर्डर्स के बावजूद मेरे साथ रिवेंजफुल बिहेवियर अपनाया जा रहा है। अस्पताल में साइकोलॉजी वार्ड ने मुझे क्लियर करार दिया। जीन्स और टी शर्ट पहने दीन मोहम्मद के मुस्तकबिल के मंसूबे भी बड़े खतरनाक हैं और इसने किसी ऐरे गैरे के खिलाफ नहीं बल्कि खादम आला के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। खादम आला साहब जिस हलके से इलेक्शन लड़ेंगे, ये नाचीज ये दीन मोहम्मद उस हलके से उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगा। दीन मोहम्मद ने कमिश्नर ऑफिस के सामने रेड़ी लगाने की वजह बताते हुए कहा कि यहाँ रेड़ी इसलिए लगाई गई है ताकि साहब लोगों को अच्छे और मेयारी फल वक्त पर मिल सकें।